पछताव पे लग सकता। लगा देंगे। ये मेरी हसरत ना होगी कहूं। हरिया, मैंने गुस्से में ना जाने क्या कह दिया तुम्हें। प्लीज, आई एम रियली सॉरी। बस ऐसे नाराज होकर मत जाओ मुझसे। भाई, नाराजगी तो अपनों से होती है ना। और यहां इस घर में अब मेरा कोई भी अपना नहीं है। सुना, ये बीवी है मेरी, इस घर में इसकी उतनी ही इज्जत है जितनी तुम्हारी। सो प्लीज। बीवी है आपकी तो मेरे बच्चों की मां मत बने। आज के बाद अगर मेरे बच्चों के आसपास भी नजर आई तो मैं लिहाज नहीं करूंगी, याद रखना। ये मेरी हसरत ना होगी कहूं। दुनिया का खौफ, माशरे के तंज और तानों की जंजीरें ना मेरे अपनों ने ये मेरे पैरों में बांध दी। अम्मी, मैं जाकर भी इन जंजीरों को खुद से आजाद नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि मेरी माँ को, खानदान वालों को जवाब देना पड़ेगा। भाई के खर्चे बढ़ जाएंगे। जब एक मर्द औरत को बदकिरदारी का ताना देके उसे तीन लफ्ज बोल के आजाद कर सकते, तो फिर औरत के पास ये हक क्यों नहीं है? अम्मी, क्या औरत की कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं होती? अम्मी, क्यों औरत को हर चीज का पाबंद बना दिया? क्या बात है सनाया, घर पे कोई बात हुई है क्या? मुझसे नहीं हो रहा अम्मी। अम्मी, दम घुटता ऐसा लगता है सांस नहीं आ रही। मैं मर जाऊंगी अम्मी, मैं मर जाऊंगी। मुझे संभाल ले, बाद में क्या निया? दिल में मेरे शिकवे। कहीं तुम्हें डर तो नहीं? किस बात का डर? यही कि मैं तुमसे दूर चला गया तो। जनाब, मुझे पूरा भरोसा है अपनी मोहब्बत पर, गरूर भी। और मैं तुम्हारा ये गरूर कभी टूटने नहीं दूंगा। ये जिंदगी भी जी लेंगे हम, हो चाहे जितना हम पे सितम, चलता ऐसे क्या देख रहे हैं आप? यही कि साड़ी बहुत सूट करती है तुम पर। मुझे आपकी झूठी तारीफें नहीं हजम होंगी। औरतों को तो झूठी तारीफ बहुत अच्छी लगती है। मैं नहीं होती मिस्टर अरहम। तो आपको क्या अच्छा लगता है? जो आप कहेंगी वो कह देंगे।
औरत को अपने शौहर की मोहब्बत मिल जाए इससे ज्यादा उसे कुछ नहीं चाहिए, झूठी तारीफें भी नहीं। और मेरी मोहब्बत तुम्हारी है और तुम्हारा हक है इसमें, और मैं किसी का हक नहीं मारता। अभी सारे हक आज ही जिता देंगे या डिनर पे भी चलेंगे? ये दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं? हादी, हरी, आप लोग अभी तक रेडी नहीं हुए? मम्मा ने जाने से मना कर दिया है, गुस्सा भी करा और बोला कि फबी अंडे से बात भी नहीं करनी है। मैं बात करता हूँ सुना ऐसे। रहने दे। मामा गंदी है, मैं मामा से बात भी नहीं करूंगा। आदी, हादी, आदी बेटा मेरी बात सुनो। खैर छोड़ तो, सुनाया है घर पे देख लेगी। आदि, आदि दरवाजा खोलो बेटा। आदि, मैं कीज लेके आता हूँ, अभी ये रुको। ओके आदि, दरवाजा खोलो। आदि, 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 मम्मा आदि का है। आदि, 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 अरे क्या हो गया? जी, देखो जान, आप भाई के पास रहना, मैं अभी आई, ठीक है? ठीक है। अब आदि हम हाइड एंड सीक खेलते हैं, आ जाओ। नहीं, मुझे नहीं खेलना। क्यों नहीं खेलना? और अगर वो मुझे पसंद करती भी है तो क्या हुआ इसमें, उसकी क्या गलती है यार? वो तो मैं हूं ही इतना हैंडसम। अगर हादी ने हाइड एंड सीक नहीं खेलना तो फिर ये देखो मामा क्या लाई है, आइसक्रीम। ये मुझे बाबा के साथ जाना था, आपने मुझे क्यों जाने दिया? बाबा को अभी फोन करें और बुलाएं आप। मेरी जान, सुबह आप स्कूल जाना है ना, इसलिए मामा ने आपको जाना। आपने मुझे फबी आंटी की वजह से जाने दिया ना, आप गंदी मामा है। हादी, हादी, हादी मेरी बात सुनो। चुप के बेटा, आप आइसक्रीम खाओ, मैं देखती हूँ भाई को।
क्या बात है फबियन, क्या सोच रही है? यही कि आपने मेरी जिंदगी में आके बहुत बड़ा एहसान किया है आजकल। एक फैमिली होते हुए आपने मुझे सहारा दिया। अगर आप भी मुझे इज्जत देने से इनकार करते थे तो पता नहीं मैं कहां जाती। अभी इनकार तो वह होता है जहां दिल राजी न हो। और तुम्हारे साथ गुजारा हुआ हर लम्हा मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। जब से तुम जिंदगी में आई हो, जिंदगी बहुत खुशगवार हो गई। मम्मी खुश हो गई थी, बच्चे खुश थे, सनाया का सारा स्ट्रेस खत्म हो गया था, सब कुछ बहुत अच्छा हो गया तुम्हारे आने से। मगर आप तो प्रॉब्लम में पड़ गए ना मेरी वजह से। नहीं प्रभी, कसूर तुम्हारा नहीं, कसूर तो इस दिल का है जिसको बहलावे की जरूरत थी और फिर तुम जिंदगी में आ गई। मेरी मोहब्बत को कसूरवार ठहरा कर बेच रास्ते में छोड़ तो नहीं देंगे आप? ऐसा कभी नहीं होगा फबिया, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। बस एक ही दुख है मुझे, अम्मी साथ नहीं है। सर हम रिकवरी की तरफ से आए हैं, बैंक के ऑर्डर है आपकी गाड़ी रिकवर करनी है। व्हाट डू यू मीन गाड़ी रिकवर करनी है? आप देख नहीं रहे मैं अपनी वाइफ के साथ हूँ, ये कोई तरीका है? आई एम सॉरी सर, ये हमारी ड्यूटी है ना, आप बैंक की कोई कॉल रिसीव कर रहे हैं ना कोई अपडेट दे रहे हैं, मजबूरन हमें ये कदम उठाना पड़ा। देखिए मैं कल बैंक जाकर बात कर लूँगा, आप प्लीज़ यहाँ से जाएँ। बैंक में पैसे जमा हो जाएंगे ना तो गाड़ी आपको खुद ही वापस मिल जाएगी, फिलहाल ये गाड़ी आपको छोड़नी पड़ेगी। उसामा मैडम को गाड़ी से उतारो। अरे जबरदार, बीवी है मेरी, गाड़ी चाहिए ना, ये लो। आओ फिर भैया भाई, गाड़ी चाहिए ना, बैठो। अगर इनको गाड़ी रिकवर करनी ही थी तो ये घर या ऑफिस आते ही, इनको यहाँ का कैसे पता चला? सैट ट्रैकर से। अरम ये सब सनाया की वजह से हो रहा है, अगर वो आपकी हेल्प कर देती ना तो इस तरह हम रोड पे जल्दी ना हो रहे होते। खैर अभी घर चलते हैं, बाद में देखता हूँ ये। हाँ ऑटो,
क्या वो अम्मी अब अभी तक सोई नहीं? नींद नहीं आ रही। जब से सनाया से बात हुई है ना, दिल बड़ा घबरा रहा है। पता नहीं मेरी बेटी कैसी होगी। अम्मी सनाया बिल्कुल ठीक है, इस तरह आप परेशान होंगी तो आप जानती हैं आप अपनी तबीयत खराब कर लेती हैं फिर। वो ठीक नहीं है, उससे बात करने के बाद मुझे डर है कि वो कुछ अपने आप को कर ना रहे डिप्रेशन में। क्यों, ऐसा क्या कहा उसने? वो कुछ कहे या ना कहे, मैं उसकी माँ हूँ। मुझे अंदाजा है उसकी तकलीफ का, उसके दुख का। अच्छा, अब आप परेशान मत हो, मैं कल ही आपको सनाया के पास लेके चलता हूँ। प्रॉमिस? ठीक, ओके, अब आराम करें, सो जाएं फौरन, जल्दी से। चलो, शुभ बखैर। क्या देख रहे हैं? सनाया की नई गाड़ी? इसी के बराबर में आपकी गाड़ी होती थी, जिस पे आप सनाया को पिक भी करते थे, ड्रॉप भी करते थे, उनके सारे काम करते थे, उनके ड्राइवर बने हुए थे आप। अब तो उनकी गाड़ी आ गई, अब तो ड्राइवर की जरूरत नहीं है ना। लेकिन आज जब आपको उनकी जरूरत है तो आप बैठ सड़कों पे जलील हो रहे हैं। अरम, अगर उनको जरा भी फिक्र होती ना तो आज वो आपके साथ होते। अब यहां खड़े होकर अपनी हसरतों का जनाजा देखने से कोई फायदा नहीं होगा। अरम, चले अंदर चलते हैं। शोहर हैं वो आपके, और आपका फर्ज बनता है कि मुश्किल वक्त में अपने शोहर का साथ दें। तुम्हारा भी शोहर है, तुम्हारे भी कुछ फराइज हैं। पहले भी तो आपके और अरहम में घर की चीज़ों के एक्सपेंस डिवाइड होते थे, तो अब क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि अब तुम आ गई। आपकी संग दिली की वजह से अरहम की गाड़ी चली गई है। उससे ज्यादा तो तुम्हें दुख हो रहा होगा, क्योंकि तुम्हारी हसरतों का जनाजा निकल गया ना। वैसे भी ना, औरत को अपने शौहर की हैसियत में खुश रहना चाहिए, जो तुम बिल्कुल नजर नहीं आ रही। अफसोस, और हमने तुम्हारे लिए इतना कुछ कुर्बान कर दिया, इतनी कुर्बानियां दी, तुम्हें भी बहुत कुछ बर्दाश्त करना है, बहुत कुछ कुर्बान करना है। हो सकता है अरहम भी। वो सिर्फ मेरे, वो मेरा नहीं रहा तो तुम्हारा कैसे होगा? मेरा सब्र रायका नहीं जाएगा फबिया। हटा। Thank you.
सनाया मुझे ऑफिस ड्रॉप कर देना। क्यों, आपकी गाड़ी कहाँ है? एक दो दिन में आ जाएगी, अभी मेरे पास नहीं। प्लीज एक दो दिन में आ जाएगी, फिर तो आप अच्छे से मैनेज कर लेंगे, मर्द हैं, आपको मेरी क्या जरूरत? सनाया मेरा ऑफिस तुम्हारे ऑफिस के रास्ते में है, प्लीज। रास्ते तो कब के बदल गए हमारे यार? हम इस कच्चे धागे पर बंधे रिश्ते पर तो आपको कितना गरूर था सुनाया मैम ने, तो अपनी मोहब्बत निभाई नहीं, और आप अभी तक इस रिश्ते को निभा रहे हैं। ये मेरी हसरत ना होगी कहूं। क्या हुआ जुनेद, आप कुछ परेशान लग रहे हैं, सब ठीक तो है? अम्मी की फिक्र हो रही है। क्यों, अम्मी को क्या हुआ? सनाया की वजह से काफी परेशान है। तुम एक काम करो, तुम आज सारा दिन जरा अम्मी के साथ ही रहना, उनका जहन बटाने की कोशिश करना जरा। वैसे जुनेद एक बात कहूँ, वो माँ है, परेशान तो होंगे। अरे मुझे टेंशन इस बात की है कि वो सनाया के चक्कर में अपनी तबीयत ना खराब कर, उसकी बहुत टेंशन ले रही है। अच्छा आप तो टेंशन ना लें, मैं उनका बहुत ख्याल रखूंगी। अच्छा एक काम करो, शाम में तैयार रहना, जरा सनाया की तरफ चलते हैं, उससे मिलेंगे तो शायद तसल्ली हो जाए उनको। ठीक है। चलो नाश्ता दे दो, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है, आ जाओ जल्दी से। सनाया, सुनाया मुझे ऑफिस छोड़ दोगे? क्यों, आपकी गाड़ी कहाँ है? एक दो दिन में आ जाएगी, मेरे पास नहीं है। एक दो दिन में आ जाएगी, फिर तो आप अच्छे से मैनेज कर लेंगे, मर्द हैं, आपको मेरी क्या ज़रूरत? सुनाया मेरा ऑफिस तुम्हारे ऑफिस के रास्ते में है, प्लीज़। रास्ते तो कब के बदल गए हमारे यार? हम मेरी नसीब से शिकायत थी ना आपको, अपने हिस्से का हकदार आपने फबिया को बना लिया, तो बर्दाश्त करें। तो तुम मुझे ऑफिस नहीं छोड़ोगी? जरूर ड्रॉप करती, ये फेवर जरूर देती ना अगर मुझे ऑफिस से देर ना हो रही होती। सॉरी। अरे आप तो सनाया के साथ ऑफिस जा रहे थे, वापस क्यों आ गए? अरहम क्या हुआ, कोई बात हुई है, कुछ बताएं। बहुत खुशकिस्मत होगी वो लड़की जो हमजा की जिंदगी में शामिल होगी। खुशकिस्मत लड़की मैं क्यों नहीं हूं सर? लेकिन हमजा तो फबीहा से मोहब्बत करता है। करता था लेकिन अब वो मासी का हिस्सा बन चुका है। और अपनी उम्र का क्या करोगी, दुनिया वाले मजाक उड़ाएंगे, तलाक याफ्ता अलग हो। क्यों, ऐसा कहां लिखा है कि मियां बीवी के रिश्ते में सिर्फ शौहर उम्र में बड़ा हो सकता है? तलाक याफ्ता लड़की को जिंदगी जीने का दूसरा मौका नहीं मिलता। सोच लो, हमजा ने मोहब्बत में बहुत जख्म खाए। हाँ मैं बनूंगी हमजा के जख्मों का मरहम। क्या गलत कर रही? अच्छा अम्मा मैं जा रही हूँ, शाम में मुलाकात हो। एक मिनट, इतनी तैयारी किस लिए? क्या हो गया अम्मा, तैयार कहाँ हो? देखो बेटा, चेहरा जो होता है
दिल का आईना होता है। ऊपर से मैं तुम्हारी माँ भी हूँ, झूठ बिल्कुल ना बोलना। ऐसे खुशी मिल गई। अम्मा वो इस महीने ना काम पे तनख्वाह बढ़ने की बात हुई है, तो इसीलिए खुश हूँ, शायद मुझे भी बढ़ कर मिले। अच्छा ठीक। अच्छा सुनो, हमजा से अगर बात हो रहा तो उसे पूछना कि शादी के बारे में क्या सोचा है। बात जरूर कर लेना। से क्या देख रहा है? कुछ नहीं, चले। कब से आपसे पूछ रही हूँ कि क्या हुआ, आप कुछ जवाब ही नहीं दे रहे। कुछ तो बताएं क्या हुआ है। मुझे साथ ले जाना गवारा नहीं किया उस टाइम, ये हुआ है मेरे साथ। मुझे लगता है इस घर में मैंने कुछ नहीं किया, सारी जिंदगी कुछ नहीं किया, कहीं स्टाइल नहीं करता मैं, कुछ नहीं हुआ मेरे से। वापस जाने के लिए गाड़ी तक नहीं है मेरे पास। पानी पी पहले। हरम, इतने अरसे का 7 वर्षों की मोहब्बत पल भर में ख़त्म हो जाए ऐसा मुमकिन नहीं है। और इस कच्चे धागे पर बंधे रिश्ते पर तो आपको कितना गरूर था। सुना है मैम ने तो अपनी मोहब्बत निभाई नहीं, और आप अभी तक इस रिश्ते को निभा रहे हैं। असल हकीकत तो ये कि उन्होंने कभी आपसे मोहब्बत की ही नहीं थी। आंटी बिल्कुल ठीक कहती थी कि सनाया मैम एक खुदगर्ज और मुफाद प्रस्त औरत है। उन्होंने आपकी मोहब्बत का फायदा उठाया और आप आंटी के सामने बुरे बनते रहे, उनकी मोहब्बत से मिटते रहे, और वो आजादी से अपनी जिंदगी में आगे बढ़ती रही और आप उनको सपोर्ट करते रहे। जब आपको उनकी जरूरत पड़ी तो आपके हिस्से में क्या आया, आंटी की नफरत और जुदाई? अरहम, उन्होंने हमेशा अपनी आजादी को मेहनत और स्ट्रगल का नाम देकर आपको अपने एहसानों के नीचे रखा। जब किसी से मोहब्बत होती है ना तो गलती तो क्या, गुनाह भी माफ कर दिए जाते हैं। इसलिए आपको अपने दिल से ये बात निकाल देनी है कि आपकी कोई गलती है, आपने कुछ नहीं किया। आपको स्टैंड लेना पड़ेगा मेरे लिए, अपने लिए, हमारे फ्यूचर के लिए। मैं भी आपकी जिम्मेदारी हूँ। इधर आए, पास आए। आपने कुछ तो सेव किया होगा फ्यूचर के लिए, प्लॉट, बॉन्ड, एनीथिंग? हाँ, ये प्लॉट तो है। तो इस्तेमाल करें उसे, वो हमारा हक है। हमें सनाया को कोई एहसान नहीं चाहिए अब। ठीक है, और आप परेशान मत, सब ठीक हो जाएगा।
हेलो सर, हाउ आर यू? जी सर, सर मैंने सारी डिटेल आपको मेल कर दी है, सो व्हाट्स योर ओपिनियन? गुड मॉर्निंग। ये आराम अभी तक नहीं आया? नहीं सर। आए तो मेरे रूम में भेजो। जी सर। कहाँ रह गया था यार? बहुत बहुत गुस्से में तुझे रूम में बुलाया है। क्या कह रहे? बहुत गुस्से में तू जाके मेरे बैग मुझे दे। सर आपने बुलाया? आइए मिस्टर राम, ये आपके लिए। सर ये क्या है? ये वार्निंग लेटर है। गालिबन इस महीने की 15-16 लेट लग चुकी हैं आपकी, वो भी विदाउट इन्फॉर्मेशन। और हम इसी तरह आप करेंगे तो हम टारगेट कैसे इस साल के अचीव करेंगे? ऐसे तो नहीं चल सकता। सर आई एम रियली सॉरी सर, मैं आइंदा एहतियात करूँगा सर। बेहतर भी यही होगा आराम, अभी तो सिर्फ गाड़ी गई है, आपकी नौकरी भी जा सकती है। ये कोई सरकारी दफ्तर नहीं है, ये बैंक है, इसके खुलने का एक टाइम है और बंद होने का एक टाइम है। आई अंडरस्टैंड सर, आई एम रियली सॉरी। सॉरी की जगह अगर आप एफर्ट करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। यू मे गो नाउ प्लीज। ओके सर। आराम से। हेलो, कैसा रहा? बहुत अच्छे। मामा, कल प्रिंसिपल ने आपको और बाबा को पेरेंट्स मीटिंग में बुलाया है। ओके। और नेक्स्ट वीक से हमारे फाइनल एग्जाम स्टार्ट। ठीक है मामा, आपको हमेशा की तरह अच्छी सी तैयारी करवा देंगे और मेरे दोनों बच्चे ही टॉप करेंगे। अच्छा तो मुझे ये बताओ कि चॉकलेट कौन खाएगा? मैं खाऊंगी। और हादी? नहीं मुझे नहीं खाऊंगी, लगता है ये नहीं खाएगा तो मैं खाऊंगी। ठीक है, अगर हादी चॉकलेट नहीं खाएगा तो ऐसा करती हूँ कि जो नेक्स्ट संडे मामू के साथ प्लान बनाया है ना मूवी देखने का, स्पाइडरमैन वाली, वो भी कैंसिल कर दें। कैसी हो फबिया? मैं ठीक, आप कैसी हैं? और अम्मी कैसी हैं? अम्मा बिल्कुल ठीक है। इन बातों को छोड़ो ना, बताओ मुझे तुम कहाँ घूमने गई? कहीं भी नहीं। क्यों? मैंने तो इसलिए फोन किया था, मुझे लगा तुम आराम के साथ हनीमून पे निकली हुई होगी। मैं तो सोच रही थी तुम या तो स्विट्जरलैंड में होगी या फिर कनाडा में। क्या हुआ, कहाँ खो गई तुम? चुप क्यों हो? कुछ नहीं, वो आज ही आराम मुझसे पूछ रहे थे कि कहाँ घूमने जाना है। सबिया, तुम्हारी हसरतें तुम्हारे सामने बाहें फैलाए खड़ी, उन्हें गले लगाने के बजाय इंतजार करवा रही हो? पागल हो क्या? आराम कह रहे तो जाओ, जाके घूमो दुनिया, यही तो तुम्हारी हसरत थी, पूरा करो अपनी ख्वाहिशों को। मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। सभी आप मेरी बात तो सुन। अच्छा अच्छा हाँ ठीक है, बाद में बात करते हैं, अल्लाह हाफिज़। सॉरी हमजा, वो पपिया से इतने दिनों बाद बात हो रही थी ना, क्या निकलने का टाइम हो गया? वो परीन फबिया कैसी? बहुत खुश है माशाल्लाह से, बता रही थी कि आराम उसे हनीमून पे लेके जा रहा है, पहले स्विट्जरलैंड जाएंगे उसके बाद कनाडा, काफ़ी लंबा टूर प्लान किया है उसने तो। साहब एक बात कहूँ, देखो
मैं छपी फबीहा से बात करती हूँ ना, कभी भी ऐसा नहीं लगता कि उसे किसी भी बात का कोई भी मलाल है। पर एक तुम हो कि अब तक उसके गम में बैठे हुए। प्लीज निकालो अपने आप को इस गम से। कि गम है तो जिंदगी बाकी है फरी, गम भी ना रहा तो जी नहीं पाओगे। ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे तो लगता है तुमने जबरदस्ती अपने आप को ना इस डब्बे में महदूद कर लिया और इस डब्बे पे लाल मार्कर से बड़ा बड़ा लिख दिया जिंदगी। तो पर मैं क्या करूं, तुम बता दो मुझे। अपने इर्द गिर्द देखो हमजा, जिंदगी तुम्हारे आस पास ही है, बस तुम्हारे हाथ बढ़ाने की देर है। और हाथ थाम लेगी, संभाल लेगी, तुम्हें हर काम से निकाल ले। मैं अपना बैग लेके आती हूँ। काफी थके हुए लग रहे हैं, काम ज्यादा था? हाँ, ऑफिस में एक असाइनमेंट है, डेडलाइन है, इसी का वर्कलोड है। तुम्हें सोचती होगी कि जब से आई हूँ बस मुश्किलें हैं, परेशानियां हैं, और सब जो तुम डिजर्व करते हो उसमें से कुछ भी नहीं मिला। मेरा क्या है रहा? मैं पहले भी हसरतों में जीती थी, अब भी जी लूंगी। मैं बस आपको परेशान नहीं करना चाहती। मैं तुमसे वादा करता हूँ भाभी, तुम्हारी सारी ख्वाहिशें पूरी होंगी। मेरे लिए आपका साथ ज्यादा जरूरी है, कोई ख्वाहिश नहीं। उम्मीदें तो सारी मुझे सनाया से थी, लेकिन उसने साथ नहीं दिया। उस मुश्किल वक्त में तुमने मेरा साथ देकर मेरे दिल में इस घर में अपनी जगह बनाई। अगर अब तो तुम्हें भी शायद ऐसा ही लगता होगा कि मैं सनाया के बगैर कुछ नहीं। ऐसा नहीं है आराम, ये एहसास की कमतरी सनाया ने आपके दिलो दिमाग में डाल लिया और आप यकीन करके खुद को कमजोर समझने लगे हैं। ज्यादा कमाने वाली औरत मर्द को कमजोर बना देती है। ये मेरी हसरत ना होगी कहूं।